दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 12 अप्रैल 2023 और जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले ये अपडेट यहाँ पर PCS 2023 को लेकर के आई हुई है कि PCS 2023 के लिए 5,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2023 के लिए 5,70,000 छात्रों ने आवेदन किए हैं। लोक सेवा आयोग ने 10 अप्रैल तक आवेदन मांगे थे। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ के अनुसार अंतिम तिथि तक लगभग 5,70,000 आवेदन मिले हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने दो बार फॉर्म भरे हैं जिनकी जाँच चल रही है, इसलिए दो तीन दिन बाद वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा। इससे पहले 2019 में 5,70,000 से कम आवेदन मिले थे। खास बात यह कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटने के बावजूद आवेदकों की संख्या में कमी आई है। पिछली बार PCS 2022 के लिए कुल मिलाकर के 6,02,974 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि 12 जून 2022 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 3,29,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया कि इस बार उम्मीद ज़्यादा थी कि जो है फॉर्म ज़्यादा भरे जाए क्योंकि वैकल्पिक विषय समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर कम आवेदन फॉर्म भरे गए हैं। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकती है कि इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है, इस वजह से भी फॉर्म कम आ सकते हैं। हालांकि पदों की संख्या अभी बढ़ेगी। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, टीजीटी ट्रांसफ़र को लेकर के लिखा है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने की मांग। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव को मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्री ज्ञापन सोमवार को सौंपा। शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण का आदेश तत्काल जारी करने, 27 जनवरी 2020 के शासनादेश के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध सभी रिक्त शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के पदों पर ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू करने, साथ ही साथ शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण और 2 नवंबर 2021 के कार्यवृत्त के अनुसार समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रांतीय मंत्री तारकेश सिंह आदि उपस्थित रहे। चलिए अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि आपत्ति लगाने पर अटक गए रुके पैनल वाले मंडलों के चयनित प्रधानाचार्य। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती चयन बोर्ड की ढिलाई के कारण 4 मंडलों में आंशिक रूप से अटकी रह गई है। 11 और 13 नवंबर को जारी परिणाम के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से आपत्ति लगाए जाने पर चयन बोर्ड ने 4 मंडलों का आंशिक पैनल रोक लिया था। अन्य मंडलों के दोनों वर्गों का पैनल 6 दिसंबर को जारी कर दिया था। रुके पैनलों पर आई आपत्तियों का निस्तारण ढिलाई के चलते अटका ही रहा। कुछ अभ्यर्थी परिणाम के विरुद्ध हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच चले गए। वहां से वर्तमान में यथास्थिति का आदेश होने से रुके हुए पैनलों पर चयनित प्रधानाचार्य अटक गए हैं। चयन बोर्ड ने आपत्तियों का निस्तारीकरण करने के लिए प्रयागराज अलीगढ़ देवीपाटन का इंटरमीडिएट बालाकवर तथा वाराणसी मंडल का इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल बालाकवर का पैनल रोका था, जबकि परिणाम जारी हुआ तब चयन बोर्ड में केवल चेयरमैन वीरेश कुमार कार्यरत थे, जबकि सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त थे। ये भर्ती हाईकोर्ट में उलझते सुलझते परिणाम तक पहुंच गई, लेकिन 4 मंडलों के परिणाम के विरुद्ध आई आपत्तियों के निस्तारण में चयन बोर्ड में देरी हो गई। अटके चयनित अभ्यर्थी आपत्ति जल्द निस्तारित न होते देख आपत्ति वाले विद्यालयों को छोड़ करके अन्य का पैनल जारी कराने की मांग चेयरमैन से करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बीच भर्ती का विरोध कर रहे कुछ अभ्यर्थी फिर हाईकोर्ट चले गए और मामला पुनः अटक गया। ऐसे में रिक्त पदों पर प्रधानाचार्य चयनित होने के बाद ही विद्यालय स्थायी प्रधानाचार्य विहीन है। चयनित प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे, अब उन्हें हाईकोर्ट से यथास्थिति का आदेश हटने की प्रतीक्षा है। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग को अपडेट है PCS के बारे में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगली अपडेट है पुरानी पेंशन को लेकर के, पुरानी पेंशन की मांग पर अंतरिम राहत से हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत GPF कटौती की मांग में दाखिल याचिका पर फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह कोर्ट ने याचिका पर सरकार से 3 हफ्ते पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख निर्धारित की है। यहाँ पर अपडेट है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में नियुक्तियों को लेकर के लिखा है, अब आचार संहिता का 5 साल पेंच। आप लोग जानते हो राजकीय महाविद्यालय में 128 पदों पर भर्ती होनी है।
इसके लिए बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थी महीनों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अब नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से अभ्यर्थियों को कम से कम एक माह और इंतजार करना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में 24 विषयों में 128 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार कराए थे। महीनों पहले आयोग ने सिर्फ 98 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्तुति शासन को भेज दी थी। बाकी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति भी धीमे धीमे शासन को भेजी जा रही है। इन चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण होना है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही उच्च शिक्षा निदेशालय चयनितों की ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा, जिसके तहत चयनितों को कॉलेज आवंटन करते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लेकिन महीनों से पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में मामला फिर से अटक गया है और अब इनकी जो नियुक्ति वगैरह होगी वो मई या जून में ही हो पाने की सूचना है। अगली अपडेट यहाँ पर नीट को लेकर के, नीट के लिए कल तक कर सकेंगे आवेदन। मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिला लेने के लिए नीट परीक्षा के लिए छात्रों को आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है, जिसके तहत अब कल 13 अप्रैल तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल थी, फिलहाल यह परीक्षा 7 मई को प्रस्तावित है। NTA के मुताबिक छात्रों की मांग को देखते हुए नीट UG के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे छात्रों ने इंटरनेट बंद होने के सहित कई अलग अलग वजहें बताई थी। तो 11 से 13 अप्रैल तक रात 11:30 बजे तक आवेदन आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल कल तक आप लोगों के पास मौका रहेगा। यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि अर्हता तय न होने के कारण फंसी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। भर्ती पर जोर, अर्हता पर गंभीर नहीं है अफसर। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अधिकारी अर्हता को लेकर के गंभीर नहीं है। इसी का नतीजा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक LT ग्रेड के हजारों रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद लोक सेवा आयोग भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार ने समकक्ष अर्हता का निर्धारण करने के लिए 22 नवंबर 2022 को हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी गठित की थी। समिति से 15 दिन में अर्हता निर्धारित करते हुए रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन 4.5 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अब तक हाई पावर की कमेटी एक भी बैठक नहीं कर पाई है। यह स्थिति तब है जब छात्र लगातार लोक सेवा आयोग पर नई भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले लोक सेवा आयोग ने 2018 में LT ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन जारी किए थे, उसमें भी से 2500 पद रिक्त रह गए थे। उसके बाद राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नहीं आने से शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं। LT ग्रेड प्रवक्ता के 10,332 पद खाली हैं। इसमें से बताया जा रहा है कि यहाँ पर डाटा दिया गया है कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीण इलाकों के तमाम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर विषयों के शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं। और आप लोग जानते हो कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विक्की खान की अगुवाई में लोक सेवा आयोग पर लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है। कल यहाँ पर देखिए, बताया गया कि 7वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। इसमें LT ग्रेड 2018 के द्वितीय प्रतिज्ञा सूची जारी करने की मांग की गई है। अंत में बात कर लेते हम लोग यहाँ पर कस्तूरबा गांधी भर्तियों को लेकर के। महाराजगंज से कस्तूरबा गांधी की भर्तियाँ आई हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या देख लीजिए, गणित के 3 पद हैं, विज्ञान के 2 पद हैं, अंग्रेजी का 1 पद है, सामाजिक विज्ञान का 2 पद है, कंप्यूटर का 1 पद है, स्काउट गाइड का 2 पद है, इसके बाद कला क्राफ्ट का 1 पद है और उर्दू का 1 पद है। ये फॉर्म इस समय चल रहे हैं। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।